आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीरीज आपको EMF जो है वो n मिली वोल्ट आपको बतानी है फॉर दिस पर्टिकुलर सेल राइट एट 298 केल्विन। अगर आपको डेल्टा जी नोट वैल्यूज जो है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर AgCl एंड H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के लिए आपको गिवन है राइट। सो देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या है आपकी एनोड एंड कैथोड पर रिएक्शन देखनी होगी राइट। सो सबसे पहले आपको समझना होगा देखो एनोड पर आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन में वो रिएक्शंस होंगी जो आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड पर आपको गिवन है राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है राइट। सो यहाँ पर आपको होता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। सो H2 जो होगी वो आपकी क्या है दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें H पॉजिटिव आयंस में पॉइंट। अब यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ आपका कैथोड पर रिडक्शन होता है। सो राइट हैंड साइड पर जो रिएक्शन होगी वो कैथोड पर होगी और राइट हैंड साइड पर जो आपके पास सेल है वो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन है हाफ सेल है। सो इसमें क्या होता है कि AgCl जो होगा रिडक्शन होने वाला है। सो AgCl इलेक्ट्रॉन को आपका क्या है गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें Ag+Cl नेगेटिव में। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं सो मुझे दो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा राइट। सो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस हो गए सो यहाँ से ओवरऑल इक्वेशन आपकी निकल कर आ जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी H2+2AgCl विल गिव 2Ag+2Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव राइट। सो अब फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या है आपका EMF निकालना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपको क्या है डेल्टा जी नोट जो है इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन के लिए निकालना होगा डेल्टा जी नोट फॉर सेल रिएक्शन राइट। और डेल्टा जी नोट फॉर सेल रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट साइड पर डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू और माइनस रिएक्टेंट साइड पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी होगी फाइन। सो प्रोडक्ट साइड पर आप देख सकते हो आपके पास क्या है एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव उसके लिए वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज -130.79 राइट क्लियर। बट देखो आपको देखना होगा एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव के लिए सो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा राइट। सो ये हो जाएगा 2 आपके पास क्या है सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सो प्रोडक्ट साइड वाली मुझे लेनी होगी फाइन। सो प्रोडक्ट साइड वाली लोगे वैल्यू सो इट विल बी 2 × −130.79 राइट। अब आपको लेनी होगी रिएक्टेंट साइड की वैल्यू माइनस करनी होगी अगेन AgCl के लिए गिवन है बट एक मोल के लिए यहाँ पर 2 मोल्स हैं सो मल्टीप्लाई कर दो 2 से और वो वैल्यू कितने −109.56 राइट। सो उसको मैं सॉल्व कर लूँगी सो आपका जो डेल्टा जी नॉट होगा वो आपका पूरे सेल के लिए कितना निकल कर आ जाएगा −42.46 किलो जूल पर मोल राइट। सो यूनिट्स हमारे पास किलो जूल पर मोल ही रहेगी। सो डेल्टा जी नोट निकल गया अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मुझे ई नोट सेल जो है वो निकालना है रिएक्शन का राइट। सो ई नोट सेल कैसे निकाल सकते हैं मुझे पता है कि डेल्टा जी नोट होता है मेरे पास −NF ई नोट सेल राइट क्लियर। सो डेल्टा जी नोट की वैल्यू ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ दैट इज हाउ मच इट इज योर −42.46 राइट। और n जो होता है ये बेसिकली आपका क्या होता है आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ओवरऑल रिएक्शन में सो दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट। सो n हो गया 2 और f होता है फराडेस कांस्टेंट दैट इज 96500 राइट। सो ये मेरे पास वैल्यू है क्लियर। सो इसको मैं सॉल्व कर लूंगी सो यहाँ से मेरे पास क्या है ई नोट सेल जो है वो आपका निकल जाएगा। सो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे सो दिस इम्प्लाइज ई नोट सेल जो होगा वो आपका क्या निकल आएगा माइनस से माइनस कट जाएगा इट विल बी प्लस में 0.220 वोल्ट राइट। सो ये आपका ई नोट सेल आ गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो मुझे निकालनी है EMF। सो EMF का अब आपको क्या है नर्स्ट इक्वेशन लगानी होगी सो दैट इज ई सेल अगर मुझे निकालना है सो वो क्या होगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस अगर हमारे पास कंडीशंस क्या है स्टैंडर्ड है दैट इज 298 केल्विन जैसा कि टेम्परेचर भी आपको गिवन है सो हम 0.0591 ले लेते हैं अपॉन एन लॉग ऑफ ये होता है कि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट की स्पीशीज है गैसेस स्पीशीज जो इन्वॉल्व है उसकी कंसंट्रेशन फाइन। सो ई नोट सेल आपके वजह से वो क्या है 0.220 −0.0591 अगेन एन होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए दैट इज 2। अब देखो लॉग प्रोडक्ट साइड पर आपके पास क्या है देखो कंसंट्रेशन जो होगी देखो ए जी सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन नहीं लोगे सी एल नेगेटिव और एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ले सकते हो। सो कंसंट्रेशन देखोगे देखो HCl से आपको Cl नेगेटिव मिलेगा तो उसकी कंसंट्रेशन है 0.01 और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी आपकी क्या हो जाएगी 0.01 राइट सेम ही रहने वाली है राइट। सो प्रोडक्ट साइड पर तो आपका हो गया है अगर मैं बात करती हूँ राइट
इट इज 0.01 न्यूटन प्लस आपको देखना होगा जब हम कंसंट्रेशन लेते हैं तो हम स्टीशियोमेट्री को भी क्या करते हैं उसकी पावर में लेते हैं राइट. सो दोनों की कंसंट्रेशन सेम है. सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ देखो सी एल नेगेटिव की होगी 0.01 का स्क्वायर और यहीं पर 0.01 का स्क्वायर हो जाएगी आपके पास एच पॉजिटिव की डिवाइडेड बाय देखो रिएक्टेंट साइड पर आपके पास देखो अगेन AgCl तो सॉलिड है और H2 का आपके पास गैस है जिसका प्रेशर गिवन है 180 mM. फाइन सो ये हो जाएगा आपके पास 1. फाइन अगर मैं इसको आप फर्दर सॉल्व करती हूँ सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए आपका जो आंसर होगा वो आपका देखो निकल कर आएगा 0.456 वोल्ट राइट. बट मुझे मिली वोल्ट में चाहिए सो ये हो जाएगा आपके पास 456 मिली वोल्ट. सो ये आपका फाइनल आंसर है. सो यहाँ से हम ऑप्शंस जो देख लेते हैं वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.